नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रुद्राक्ष के विषय में। रुद्राक्ष धारण करने के उपरांत व्यक्ति को किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है, किस परिस्थिति में कितने मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। प्रिय साथियों, साक्षात भगवान शंकर का आशीर्वाद, जब आप अपने जीवन से निराश हैं, हैरान परेशान चिंतित व्यथित और पीड़ित हैं, अनेक प्रकार के उपाय करके थक गए हैं, नेगेटिविटी ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, चारों तरफ जीवन में निराशा का माहौल है, लगातार काम बिगड़ते हैं, लगातार घर में कलेश की स्थिति बनी हुई है, तो मैं आपको विश्वासपूर्वक और अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि आप उस समय में पूरे नियम से रुद्राक्ष धारण करें और भगवान शिव पर, शिवलिंग पर एक लोटा रोज जल का नियमित रूप से चढ़ाएं। घड़ी की सुई देखकर 10 से 11 दिन में आपकी तमाम तरह की समस्याओं का हल निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मेहनत प्रयास करें अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको पर्सनली बता दूं, मैंने जीवन में किसी प्रकार की कोई माला, कंठा या कोई चीज़ धारण नहीं की, लेकिन रुद्राक्ष के महत्व को देखते हुए मैं स्वयं भी रुद्राक्ष धारण करना प्रारंभ कर दिया है। मैंने माला पहनता हूं, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि रुद्राक्ष धारण करने के विशेष लाभ हैं। पूरी जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए और रुद्राक्ष खरीदने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्यारे साथियों, रुद्राक्ष जो साक्षात भगवान शिव के अश्रुओं से, जिसकी उत्पत्ति हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार मानी जाती है, बेहद पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। इस संसार की सबसे उत्तम औषधि रुद्राक्ष है, बस इसका उपयोग करना हमको आना चाहिए। यदि आप शराब पीते हैं और लगातार शराब पीना चाहते हैं, तो आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, समस्या आ सकती है। यदि आप मांसाहारी हैं और मांसाहारी बने रहना चाहते हैं, तो आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। यदि आपका भरोसा झूठ में और छल कपट में है लगातार, तो भी आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। यदि आपकी वृत्ति शुद्ध है, सात्विक है, आप दूसरे का माल हड़पना नहीं चाहते, आप मदिरापान नहीं करते और आप मेहनत से अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो रुद्राक्ष आपको 100% लाभ करेगा। रुद्राक्ष धारण करने के उपरांत भगवान शिव की भक्ति जो व्यक्ति करता है, उसको तत्काल लाभ होता है। साथियों, कितना मुखी रुद्राक्ष किस प्रकार के लाभ करता है, इस विषय में बात कर लेते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। यदि नेपाली दाना किसी को एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए अच्छी क्वालिटी का, तो उसकी किस्मत ठीक माननी चाहिए। पूरे विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करके सोमवार के दिन चंद्रमा की होरा में चांदी में, सोने में या सफ़ेद या लाल धागे में धारण करना चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष को शिव और पार्वती का स्वरूप माना जाता है, यह धारण करना भी सर्वोत्तम रहता है। तीन मुखी रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप माना जाता है। जिन लोगों के अंदर हिम्मत कम है, अपनी बात कहने की क्षमता नहीं है, और जो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, तीन मुखी रुद्राक्ष पहनिए, साक्षात अग्नि का स्वरूप माना जाता है। चार मुखी रुद्राक्ष पहनने से व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बढ़ती है, उसका माइंड ऑफ सेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। पांच मुखी रुद्राक्ष नाग देवता का स्वरूप माना जाता है। छह मुखी रुद्राक्ष देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। सात मुखी रुद्राक्ष भैरव जी को और शनि राहु केतु तीनों ग्रहों की पीड़ा को दूर करता है। आठ मुखी रुद्राक्ष तमाम प्रकार के कलेश जीवन से दूर करता है। नौ मुखी रुद्राक्ष कहीं ना कहीं आपके भाग्य का उदय करता है और आपके जीवन में परमात्मा की भक्ति का योग बनाता है। साथियों, 14 मुखी रुद्राक्ष हैं। 14 मुखी तक धारण करना बहुत शुभ माना जाता है, तो समय समय पर ज्योतिषी की सलाह से आपको अपने लिए रुद्राक्ष का चयन करके और उसको पूरे नियम से आप पहनिए। अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं,
तो उसे पहनने से पहले मदिरापान है, मांस भक्षण है, चोरी चकाटी है, छल कपट है, दूसरे का पैसा हड़पना है, दूसरे व्यक्ति को धोखा देना है किसी को, इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं या करते रहना चाहते हैं या वो चीज़ें आपके नेचर में हैं, आप उनमें सुधार नहीं करना चाहते, तो आपको रुद्राक्ष धारण करने का विचार भी नहीं करना चाहिए। तो रुद्राक्ष को लेकर के तमाम तरह की वीडियोस मैं लेकर के आता रहूँगा, जो कि बहुत बड़ा विषय है, छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए 500 वीडियो बनाऊँगा तो भी कम पड़ेगी। कामना करता हूँ आज की जानकारी, जो छोटी सी जानकारी है इस वीडियो में, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।